वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी पर भले ही कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव के हर अटैक का जवाब जरूर दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर अखिलेश पर पलटवार किया। केशव मौर्य ने अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बताया, लिखा कि 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अखिलेश यादव अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा, यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के दलितों के सदा सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अखिलेश यादव पर लगातार अटैक तो कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कुछ भी कहें लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम की दूरियां विपक्ष को ताना कसने का पूरा मौका दे रही हैं। क्यों मैं ये कह रही हूं, उसके पीछे भी एक कारण है, वो आपके सामने है। 8 जून को लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में पहली समीक्षा बैठक जब हुई, केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक दोनों इस मीटिंग से गैर हाजिर रहे। 15 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य बोले कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इमेज ये बनी कि ये मैसेज जो है वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया जा रहा है। 18 जुलाई को जब उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई तो दोनों डिप्टी सीएम इस मीटिंग से फिर नदारद रहे। और तो और 20 जुलाई को जब प्रयागराज कुंभ को लेकर बैठक हुई, अब प्रयागराज मंडल के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन जब प्रयागराज कुंभ को लेकर सीएम की बैठक हुई तो केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में नहीं पहुंचे। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि सब कुछ ठीक तो नहीं है बॉस, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। 22 जुलाई को डिप्टी सीएम ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव से आरक्षण का ब्यौरा तक मांग लिया। कार्मिक विभाग डायरेक्टर सीएम योगी के अंडर में ही आता है, डायरेक्ट उनके अंडर में है। 23 जुलाई को आजमगढ़ में हुई सीएम की बैठक में मंत्री ओपी राजभर शामिल नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे। 25 जुलाई को सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक की तो केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, 26 जुलाई को सीएम हाउस में लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक हुई तो बृजेश पाठक उस मीटिंग से भी नदारद रहे।